कि यहाँ पे रेस लग चुकी है अर्जुन भाई और मेरी मैनेजमेंट, मतलब कि अमाउंट फिल कर रहे बिना आप टैंकी फुल नहीं कर सकते। रेलवे स्टेशन में तो चंडीगढ़ क्या करने हैं आप? वो ना भाई, ये क्या कर रहे हो भाई? गाना कैसा लगा आपको भाई? बहुत सही लगा भाई। आप पक्का पक्का सारी वीडियो देखते हैं ना? सारी सारी भाई। पांडा फटा बेटा पांडा ऐसे बात करते हैं तो भाई आए थे यार, भाई खाना खुना खिलाया यार, जो भी जैसे अपना खुद का खाना मंगाया भाई के लिए मंगवाया। तो यार सीन ये है भाई, ये बंदा जो है ना, ये यार घर पे बिना बता के आया, पता है कितने किलोमीटर भाई यहाँ से? लगभग 1300-1400 किलोमीटर है भाई यहाँ से भाई आया ट्रेन में बैठ कर। सो हेलो गाइस, राम राम सभी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, होने भी चाहिए। तो वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। सो गाइस आज भाई, आज की मॉर्निंग पता कैसे हो रही है यहाँ पे जाके? लो भाई अपना भाई आया भाई आरसपुरा से, तो यार ये भी दोस्त है तो इसने भी ब्लॉगिंग वगैरह शुरू किया है। तो मैंने कहा क्या बात है, तो कह रहा था भाई ब्लॉग वगैरह बनाना है, इकट्ठे बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है कोई चक्कर नहीं। क्या नाम है चैनल का? अभिषेक JK0। भाई जाके सब्सक्राइब करो। बाकी गाइस आज का जो सीन्स है वो बड़ा हैक्टिक होने वाला है, क्योंकि भाई आज हमारा पॉडकास्ट है। तो अभी चलते हैं, आज यार सीन्स बताता हूँ आपको, तो भाई को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं फॉरवर्ड से अर्जुन भाई को लेते हैं और चलते हैं भाई पॉडकास्ट में। अभी एक सब्सक्राइबर भाई आए हैं अपने से मिलने, तो चलो यार आपको भी बताते अहमदाबाद। अच्छा उसके बाद अहमदाबाद से मैं आया यहाँ पे दिल्ली। अच्छा दिल्ली अहमदाबाद गए अपने घर से, अहमदाबाद अहमदाबाद से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ फिर सुबह घूम घूम के आते हैं। अच्छा कितने बजे पहुंचे थे सुबह चंडीगढ़? सुबह 3:30 बजे। फिर कितनी देर कहाँ रहे आप? वहाँ पे रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन में रहे तो चंडीगढ़ क्या करने आए आप? क्या बात है गाइस, प्यार देख रहे हो भाई। यार ये बंदा ना मेरे को मेंशन भी करता रहता है स्टोरी पे, बहुत बारी मैं देखता हूँ। तो भाई मतलब ऐसा प्यार मिल जाए भाई, और क्या चाहिए भाई। सो गाइस फाइनली अभी तैयार हो चुके हैं, नहा-धो के अभी निकल रहे हैं भाई बाहर, और यहाँ पर चेक करो भाई हमारा भाई। खाना खा रहे हैं भैया, ठीक है जल्दी से 1 मिलियन करवा दो। तो भाई आए थे यार, भाई खाना खुना खिलाया यार, जो भी जैसे अपना खुद का खाना मंगाया भाई के लिए मंगवाया। तो यार सीन ये है भाई, ये बंदा जो है ना, ये यार घर पे बिना बता के आया, पता है कितने किलोमीटर भाई यहाँ से? लगभग 1300-1400 किलोमीटर है भाई यहाँ से भाई आया ट्रेन में बैठ कर। तो भाई ये सबसे बड़ी गलत बात है, अगर आप भी यार सब्सक्राइबर हो या कुछ भी हो यार, आप भी अगर बिना घर पे बताए आओगे तो भाई सीधी सी बात है मैं नहीं मिलूंगा। चलो भाई को मिल लिया, ठीक है भाई अगली बारी आएगा सब्सक्राइब कर देंगे, अगली बारी जब आओगे क्या करना है? अगली बारी पक्का घर पे क्या क्या होगा बता कर आएगा। तो भाई को भी मैं रेलवे स्टेशन वगैरह छोड़ने जाऊंगा, तो यार उसके बाद क्या नाम आपके चैनल का? भैया शर्मा ब्लॉग, जाके सब्सक्राइब कर देना भाई को। बट यार ये गलत बात है भाई, इतनी दूर से मतलब आना आपने और बिना घर पे बताए भाई, ये सही नहीं लगा। बाकी यार कई बंदे क्या होते हैं भाई, कई क्रिएटर्स इतने फेक हैं भाई, ऐसे कैमरा होगा तो भाई बहुत अच्छे से मिलते हैं पर नहीं मिलते यार। सीन ये है भाई, जब आपके पास कोई बंदा मिलने आता है ना, तो यार जैसे हमने खाना वाना खिलाया, अंदर बिठाया, फोटो खिंचाते हैं, भेज देते हैं, कई बार फोटो भी खिंचाते हैं। तो यार ये क्रिएटर से गुजारिश है, इतने दूर से आते हैं भाई बंदे आपसे मिलने, तो ढंग से रहा करो यार। भाई देखो मैं आपको सीधी क्लियर कट बात बताऊँ, अगर मेरी जगह कोई और भी क्रिएटर होता ना भाई, किसी ने भाई उसको अंदर नहीं बिठाना था, ना भाई कोई कुछ खिलाना था, सब अपना मतलब देखते हैं, 2 मिनट के लिए वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं भाई, ठीक है इसका फोटो छोटो खिंचा लेते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। पर यार देखो गलती इस भाई की भी है कि यार इतनी दूर आया मैं एक तो बिना बताए, बाकी एक चीज़ सही रही कि भाई के पास आया आपके, तो भाई आपके साथ कभी किसी का गलत नहीं किया भाई ज़िंदगी में, चाहे सब्सक्राइबर हो चाहे भाई हो चाहे जो मर्जी हो भाई, जो जैसे खुद रहेंगे वैसे भाइयों को रखेंगे, ठीक है ना। बाकी यार ऐसे मत किया करो कि यार घर से बिना बताए आ गए हो, ये बहुत गलत चीज़ लगी यार, बहुत गलत चीज़ लगी भाई। बिना बताए घर पे इतनी दूर कभी नहीं आना चाहिए भाई, कभी नहीं आना चाहिए भाई। रास्ते में कुछ हो जाए भाई, किसी को कुछ हो जाए भाई, घर वाले यार पर सोचेंगे इधर ही है, तो खुद बंदा इधर पहुंचा हुआ है। तो अभी तो फिलहाल मैंने इसे घर पे पहले फ़ोन करता हूँ, उसके बाद इसको ट्रेन में चढ़ाते हैं भाई। सो गाइस फाइनली निकल रहे हैं यहाँ पे, हालत देख लो यार बाइक की क्या हो चुकी है भाई। और अभी इन भाइयों को हम कहाँ करेंगे, हम चढ़ाएंगे भाई अभी कोई उबर वगैरह करके देते हैं भाई रेलवे स्टेशन के लिए। तो अभी बाइक को कर देते हैं भाई फटाफट से कॉल स्टार्ट। तो बाइक तो अपनी पहले सेल्फ है, मतलब आधे सेल्फ पे ही स्टार्ट हो जाती है यार। और यहाँ चेक करो भाई, यहाँ लगी अर्जुन भाई की बाइक, अर्जुन भाई करो कॉल स्टार्ट। और यहाँ पे भाई हमारे साथ एक और बंदा आ चुका है चंडीगढ़ में, इसका नाम है अविनाश बनातिया, तो जाके इसको भी सब्सक्राइब कर लो। क्या नाम है चैनल का? नहीं दिया गाइस, झूठ बोल रहा है, दिया गाइस जाके सब्सक्राइब कर लो। बाकी हालत देखो भाई बाइक की,
अभी आपको इतनी लग नहीं रही होगी पर बहुत गंदी है भाई बाइक। और ये देखो सीट की हालत भाई। तो चलो गाइस फाइनली अब निकलते हैं इधर से, बाकी फ्यूल भी नहीं है भाई, पहले फ्यूल भी डलवा लेते हैं। सो गाइस आज काफ़ी दिन बाद ड्यूक पे व्लॉग होने वाला है, पर आपको पता ही है जब ड्यूक पे व्लॉग होता है तो कितनी सेक्सी चीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर चेक कर लो भाई, यहाँ पर लगी हमारी, क्या लगी हमारी, गैंगस्टर स्कॉर्पियो, चेक करो गाइस। तो चलो गाइस फाइनली अब निकलते हैं, ओके मिलते हैं। तो भाई को कर देते हैं बाय बाय, तो निकलते हैं। ठीक भाई को हमने कर दिया बाय बाय, भाई को रैपिडो वगैरह करवा कर दे दिया, तो ये सीधा जाएगी अभी भाई रेलवे स्टेशन पे। पर यार मैं आपको भाई सीरियसली एक चीज़ दिखाऊं भाई, कोई भी क्रिएटर इतना नहीं करता भाई। देखो आप यार, ये ना छोटा बच्चा था यार, तो भाई इतनी दूर आया बिना बताए भाई, घर पे कोई भी यार मतलब कि कुछ भी सीन हो सकता है भाई। आजकल की ना मतलब दुनिया ठीक नहीं है भाई, कोई कुछ भी कर सकता है, ठीक है ना। तो भाई कोई किडनैप कर ले भाई, कुछ भी हो जाए, लड़ाई हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो यार ऐसा नहीं करना चाहिए भाई कभी भी। भाई मेरे पास आओ, जी खोल के आओ, मतलब जब मर्जी हो भाई, रात को 12 बजे भी आओगे ना मैं मिलूंगा भाई आपको, अंदर बिठा के पानी तक पिलाऊंगा भाई। पर यार ऐसा मत करो कि यार बिना बताए आप आ जाओ भाई, ये चीज़ मुझे बहुत गलत लगी भाई। तो एनीवे चलो छोड़ो इस चीज़ को, अब चलते हैं भाई फटाफट से पेट्रोल पम्प फ्यूल अप वगैरह करवाते हैं। क्या मैनेजमेंट मतलब कि अमाउंट फिल कर रहे बिना आप टैंकी फुल नहीं कर सकते? तो भाई ये देख लो यहाँ पे चंडीगढ़ के पेट्रोल पंप का सिस्टम, करो करो करो। तो भाई ये कह रहे हैं यार जब तक हम अमाउंट नहीं डालेंगे तब तक फुल नहीं होगी भाई, ऐसा किसी पेट्रोल पंप में आपने देखा तो बता दो। सो गाइस फाइनली निकल चुके हैं, चेक कर लो भाई टैंक फुल करा के। और भाई वो पेट्रोल पंप भाई इतना फ्रॉड था, मैं आपको क्या बोलूँ यार, छोड़ो बाहर रहने आया हूँ भाई, मैं ऐसे कर नहीं सकता। बट यार 13 लीटर की इसकी टैंकी है और उसने पूरा 13 लीटर पेट्रोल डाला, मतलब कि यार कुछ तो पेट्रोल भाई बीच में था ही यार, पूरा 13 लीटर कैसे डल सकता भाई, थोड़ा बहुत फ्यूल था। बट ऐसे करते हैं यार ये पेट्रोल पंप वाले। तो गाइस फाइनली निकल रहे हैं, गाइस फाइनली निकल, अर्जुन भाई और मेरा ड्रैगन वाला चलाओ, रेस लगाते हैं। ओ भाई बंदा क्या था पीछे से। तो भाई ये देखो 390 है, वो ये 250 आपको पता है वो आगे नहीं हो गया, पर जाम में कहाँ जाएगा, जाम में तो हम भी निकलेंगे ना भाई। चलो भाई पास मार। तो गाइस फाइनली यहाँ पे रेस लग चुकी है अर्जुन भाई और मेरी, तो चेक करो यार अभी आपको ना राइड में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि अभी तो भाई हम स्टार्ट हुए। चल 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 चल, वो देखो 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 भाई 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 कैसे चला रहा है अर्जुन भी, आज देखा हमने आज तक अर्जुन कैसे चलाते हुए भाई, कैसे चला रहा है। तो चलो भाई अब इनको करते हैं भाई पीछे, ए भाई गए पीछे, गए हो गए भाई पीछे, देख रहे हो। चलो अब इनको आगे जाने देते हैं, फिर भाई इनके साथ वापस खींचते हैं। सो गाइस फाइनली अभी एक बहुत ही तगड़ी ड्रैग रेस हुई मेरी और अर्जुन भाई की। वैसे तो हमारा भाई कोई मतलब कि कंपैरिजन वगैरह है नहीं, भाई है मेरा अर्जुन यार, इसके साथ तो कभी रेस वगैरह की नहीं, मतलब ऐसे ही थोड़ी बहुत खींची हुई बाइक, बाकी मज़ा आया यार बहुत ज़्यादा सच्ची भाई। बहुत देर बाद भाई बाइक खींची है, क्योंकि बताओ को मैं अब ZX Renegade इतनी ज़्यादा नहीं मतलब रैश वगैरह नहीं करता, ड्यूक पे ही थोड़ा सा मज़ा आता है बाइक भी खींचने का। बाकी अभी गाइस हम मेन चंडीगढ़ एंटर कर चुके हैं और मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि भाई आज हम एक जगह जा रहे हैं, तो जगह भाई होने वाली है आज जहाँ पर आपको भाई प्रेमी और प्रेमिका मिलते रहेंगे मतलब कि चंडीगढ़ के मोस्ट ऑफ कपल्स वहाँ पे मिलेंगे। तो भाई जो आप सोच रहे हो वो नहीं है, ओयो नहीं है भाई, ओयो नहीं जा रहे हम। तो अभी हम जा रहे हैं गाइस, हम जा रहे हैं सुखना लेक में, तो बड़ा सेक्सी भाई व्यू है वहाँ का। वैसे तो ऑलमोस्ट सारे बंदों ने देखी होगी, बट जिसने नहीं देखी तो वहाँ पे भाई एक लेक है बहुत प्यारी, बोटिंग वगैरह भी है, मतलब अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, वहाँ के कुछ सीन्स चेक कराते हैं। सो गाइस फाइनली बाइक वगैरह हमने पार्क कर दिया सुखना लेक के नीचे, तो चलो चलो फटाफट से चलते हैं भाई ऊपर। तो फाइनली गाइस कपल हब पे पहुँच चुके हैं, पीछे जाकर लोग कपल ही कपल दिखाई देंगे भाई। एक तो यहाँ पे मैरिड कपल बहुत आते हैं भाई घूमने, उसके बाद भाई यहाँ पर ना जैसे रिलेशनशिप गाइज होते हैं जो वो भी आते हैं भाई, तो अभी चक्कर आते हैं आपको। पहले पहुंच चुके सुनने लेक और यहाँ भाई मिले, भाई गाना कैसा लगा आपको? भाई बहुत सही लगा भाई, आप पक्का पक्का सारी वीडियो देखते हैं ना? सारी सारी भाई। तो क्या बात है भाई, आया भाई कहता गाना बहुत सही था यार। तो यार गाने के 1 मिलियन व्यू अभी कम्प्लीट नहीं हुए, तो जल्दी से जाके कराओ और भाई कमेंट कराओ 1 लाख, अभी 50 कुछ कमेंट है, 50,000 मतलब समथिंग, जाके 1 लाख कमेंट करा दो यार प्लीज़। यार यहाँ पे पूरी भाई लेक है और यहाँ पर भाई वॉकिंग स्ट्रीट है और आगे भाई बोटिंग वगैरह भी होती है, तो कुछ बंदे भाई बोटिंग वगैरह भी करते हैं, अभी आपको चक्कर आता हूँ भाई। वो दिख रही है भाई आपको, बंदे भाई बोटिंग वगैरह कर रहे हैं और भाई देखो बच्चे उच्चे भी आए हैं भाई घूमने के लिए, तो ये सीन रहता है भाई इधर का पूरा। तो यहाँ भाई ये दोनों बड़े एंजॉय कर रहे हैं, वो देखो क्या बात है भाई, ये देखो बच्चे भी आए हैं और बूढ़े भी आए हैं भाई, बूढ़े भाई ये हैं। तो अभी घूमते हैं भाई इधर से, जो भी सीन होता है बताते हैं। बाकी ये देखो यार कितना मज़ा आ रहा है भाई इन चीज़ों में, ये देखो ये चेक कर रहे हो ओ भाई सेक्सी। पहले अब चेक करो यहाँ पे लोकेशन पे आ गए हैं, यही भाई ये सुखना लेक में ही, यहाँ पे भाई बच्चों के खेलने के लिए देखो ये ट्रेन टाइप है और यहाँ पे बम्पर कार है, पीछे भाई झूले वगैरह हैं, तो ये देख लो भाई कितने सेक्सी सीन्स हैं।
बाकी यहाँ एक बार रश चेक करो यार, एक बार आप मतलब कितना रश है यार। हैं जूठा लेना है, देते हैं आपको जूठा लेके देते हैं। तो यहाँ पे जाकर गाइस, तो अभी चलो गाइस बड़ी प्यास लगी है तो अभी पानी वानी पीते हैं यार। और यहाँ पर जाकर भाई, यहाँ पर ना स्केच आर्टिस्ट वगैरह भी होते हैं आपकी, भाई जैसे बैठोगे वैसे सेम टू सेम स्केच बना देंगे। बाकी फाइनली अभी यार हम सुखना लेक से निकल चुके हैं और रात भाई हो चुकी है और यहाँ पे हम भाई बकचोदी चल रही है। देखो यार भैया कितने का लगाया, भैया कितने का लगाया, कितने का लगाया, कितने का लगाया? सर 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 जी कितने का? 25 रुपए का। चलो अच्छे से डाल, 40 का। सो गाइस आज ना बहुत ज्यादा मजा आया, एक राइड भी मारी और यहाँ पे घूमने का मन था तो घूमे भी। कल से आपको डेली मतलब जो जैसे पहले धमाकेदार व्लॉग आते थे ना वैसे ही आएंगे। तो सब्सक्राइब कर देना और गाने पे जल्दी से जल्दी यार जाके 1 मिलियन करवा दो और भाई 1 लाख कमेंट्स वगैरह करवा देना। तो चलो भाई निकलते हैं, व्लॉग इसके साथ यहीं पे एंड करते हैं। कीप लविंग, कीप स्पोर्टिंग, साइनिंग ऑफ जय चांद।